सबसे पहले तो जितने भी भक्तगण यहाँ आए हुए हैं, जो गणपति जी के दर्शन करने आए हैं, सब मैं सबसे बार मिलकर बोलेंगे, गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि गणपति बप्पा सबकी मुराद पूरी करते हैं। और मैंने तो जीवन में अपने बहुत सारे साल जो हैं भगवान गणपति के चरणों में बिताए हैं, उनके लिए सीरत बनाए हैं, गणेश पूजा बनाया है, श्री गणेश बनाया है, और उसके बाद उनके जो पिता हैं उनके लिए कौन नाश बनाया है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 साल आता हूँ और मैं इतना कहूँगा कि अंधेरी चाहे राजा हूँ, तो योगे भाई लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि अंधेरी चाहे राजा जो है उसकी अपनी एक महत्ता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे चेले साथ हैं, हमारे बाकी के वर्कर्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, भाई बहन, आपके बारे में कहना चाहूँगा कि सबका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ मेरी टीम के कुछ लोग हैं, संध्या जी हैं, संजय कुमार जी हैं, हमारे कैमरा मैन हैं संतोष चौधरी, और हमारे कुछ और भी गेस्ट हैं। सभी की तरफ से भगवान गणपति के चरणों में बार बार प्रणाम हो। और मैं यही कहूँगा कि भगवान सबके विघ्नों को दूर करें। और ये नया साल है जो कोरोना नया साल ही कराते होगी, और इस साल में जो है भगवान सब प्रेक्षा बनाए रखे। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ योगेश जो खड़े हुए हैं, इनका जन्मदिन है जो 24 तारीख का है, तो आज भगवान के गणेश जी के दर्शन करने लिए आए हैं। भगवान वैसे तो इनकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, पर आगे जो भी इच्छा रह जाए वही भगवान पूरी करें, यही मैं कहना चाहूँगा। एक बार फिर से मिलकर बोल देंगे गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। पप्पा जी का आशीर्वाद है कि हर बार मैं जब भी यहाँ आई हूँ और कुछ भी मांगा वो पूरा हुआ है, मुझे मिला है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा। और हर बार कुछ एक नई डिमांड के साथ आती हूँ। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है जो कहता है कि अच्छा ये तो मिल गया, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे वो भी चाहिए। तो बस हम लोग सारे इंसान ऐसे ही छोटे बच्चे के जैसा, एक डिमांड पूरी हो गई तो फिर अगली डिमांड के लिए वापस आ जाते हैं पापा के पास, पापा अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। हम एक असंतुष्ट जीव हैं और ये हमारे प्रथम पूजनीय हैं, तो इनके इनके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम आशीर्वाद देने आए हैं। सो सब मनोकामना पूरी करें, जितनी भी अच्छी वाली मनोकामना है वो सारी पापा से प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद। कैनाज जी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जय महाराष्ट्र, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, पिताजी, ये मेरे कहना दर्शन में यहाँ पे बस कहते हैं ना बुलावा जब आता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सौभाग्य है कि मैं यहाँ गणेश जी का दर्शन कर रही हूँ। और मैंने मुझे जो मांगा था मैंने मांग लिया, और मैं जानती हूँ कि बुरा होगा कोई है गणेश जी का भी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बस प्रार्थना करते रहिए, हम भी करेंगे। और गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। धन्यवाद। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरज कुमार की ओर से सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, इट्स ए मैटर ऑफ ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर मी कि श्री गणेश के दर्शन करने के लिए आज मैं अंधेरी का राजा मैं यहाँ आया हूँ। वैसे तो मैं कई सालों से आता रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक भव्यता, और भव्यता में एक सिंप्लिसिटी। जैसे कहते हैं जब आप भगवान गणेश की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। खैर, भगवान तो हमेशा आशीर्वाद देते ही हैं और देते ही रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं सुख देने वाले हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं।
तो आज अंधेरी का राजा में यहाँ आकर मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ के जितने सभी संस्थान के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, बहुत ही एक अच्छे ढंग से सभी भक्तों को भगवान के दर्शन होते हैं। और इस साल तो ख़ास तौर से उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर इस तरह से पूरा चारों ओर जो उन्होंने एक चित्रों की गैलरी बनाई है वो एक दर्शनीय है, वाकई देखने लायक है कि उन्होंने के पुराने ज़माने में किस प्रकार जो रानियां होती थी अपने झरोखों से देखा करती थी, तो अत्यंत लुभावना दृश्य है। और इसके साथ साथ जो चांदी का जो मुझे अभी बताया गया जैसे मूषक कहते हैं, चांदी के मूषक में जिसके कान में हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं वो भी मैंने देखा। और मैंने भी अपनी मनोकामना के लिए मूषक के कानों में कहा है अब भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही साथ यहाँ दो और मुझे बहुत लुभावने दृश्य देखने को मिले, चांदी के हाथी जो बने हैं बहुत ही, और उसमें भी सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान देकर उस उनको बनवाया है। और इसी प्रकार अंधेरी के राजा के जो श्री गणेश हैं उनको जो सोने का मुकुट है उसके अंदर भी मुझे बताया यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने कि सभी लोगों ने अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान दे के उस भव्य सोने के मुकुट का निर्माण करवाया है। मैं इतना ही कहूँगा कि श्री गणेश अपनी गणेश लीला दिखाते हुए सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखें और प्रभु हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे साथ जो मेरे लोग आए हैं क्रिएटिव आई लिमिटेड की ओर से, संध्या हैं, संत कुमार हैं, हमारे सूरज हैं और सभी क्रिएटिव आई लिमिटेड के जितने भी हमारे काम करने वाले हैं उन सब की ओर से भगवान श्री गणेश अंधेरी के राजा के चरणों में प्रणाम और सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। ओम गण गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं कैनाज भारत माँ के सभी सदस्यों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देती हूँ और इस शुभ अवसर पर मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। 10 साल बाद मैं हिंदुस्तान आई हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि गणेश चतुर्थी पे आई हूँ, गणेश जी की दर्शन हो चुकी है। कहते हैं जब बुलावा आता है तो आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बस मैं आई हूँ सिर्फ हमारे भारत फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि गणेश जी की दर्शन करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए जैसे आप लोगों की हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय महाराष्ट्र। मैं आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति अंधेरी का राजा का तरफ से, मंडल का तरफ से बहुत शुक्र गुजार हूँ। यहाँ पर जो भी गणेश भक्त आ रहे हैं वो राजनीति का लोग हो या बॉलीवुड का लोग हो या हॉलीवुड का लोग हो या जनरल बिजनेस पब्लिक हो, सभी का मुरादे बप्पा, सभी का जो भी मन्नते है वो पूरा करे और अग्रसर वो ज़रूर आए और जो भी मन्नते है बप्पा को उसका शरण में रख दे। मैं सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति अंधेरी का राजा की तरफ से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्ते, मैं एकता जैन और मैं आई हूँ अंधेरी चा राजा में। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ मन्नत के गणपति कहे जाते हैं। यहाँ जो भी मन्नत मांगो, दिल से अगर मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है और अगर आपकी किस्मत में लिखी है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। मैं यहाँ जब भी आती हूँ मैं कोई एक नई मन्नत लेकर के आती हूँ बिकॉज़ मेरी पुरानी मन्नत ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये एक नई मन्नत, ये तो पूरी हो गई मेरी मन्नत, अभी नेक्स्ट मन्नत क्या मांगूँ, ये सोचकर मैं हमेशा हर बार आती रहती हूँ और हर बार एक नई मन्नत के साथ आती हूँ। तो इस बार भी मैंने एक अच्छी सी मन्नत मांगी है। आई होप पापा पूरा करें और जब पापा पूरा करेंगे तो मैं वापस अगले साल आऊँगी और ये प्रॉमिस करके जाती हूँ पापा से। तो जितनी बार मैं अंधेरी का राजा आती हूँ उतनी बार मेरी मन्नत पूरी होती है, तो मैं हमेशा ज़रूर आऊँगी और ये प्रॉमिस करती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया।